ट्रेडिशनल ई कॉमर्स वर्सेस ई कॉम सॉरी ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स एक्चुअली उस टिपिकल फॉर्मेट या उस टिपिकल कॉन्सेप्ट के लिए यूज होता है जो इंटरनेट या कंप्यूटर या रिसेंट टेक्नोलॉजी आने के पहले, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंट्रोड्यूस होने के पहले यूजर्स यूज किया करते थे। जैसे कि आप मार्केट जाओगे, पर्टिकुलर सामान बाई करोगे, परचेज करोगे, उसके लिए एक अमाउंट पे करोगे और उस सामान को मैन्युअली घर लेकर के आओगे। इस केस में आपको सामान अगर बुक करना है तो आपको शॉपकीपर से इंटरेक्ट करना ही पड़ता था मैन्युअली। यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन हमारे पास नहीं था कि हम वाया नेट या वाया वेब उसको इंटरेक्ट कर सके, उस सामान को पसंद कर सके, सेलेक्ट कर सके और फिर बाई कर सके। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया था? ट्रेडिशनल कॉमर्स। अब इतना तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज डिफाइंड एज अ ट्रेडिशनल कॉमर्स। अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि ट्रेडिशनल कॉमर्स मतलब टुडे ई कॉमर्स के कंपेरेटिवली ट्रेडिशनल कॉमर्स में आपको क्या क्या डिसएडवांटेजेस दिखते हैं जिसकी वजह से आप उन्हें अवॉइड करोगे, आई मीन ट्रेडिशनल कॉमर्स को अवॉइड करोगे? एनीवन? हेलो, मैम, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ओके, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, यस। एंड टेक्स लॉट ऑफ टाइम। बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। इवन अभी भी होता है। अगर अभी भी हम मैन्युअली किसी भी चीज को परचेज करने जाते हैं तो हमारा पूरा दिन जाता है ना? एंड तो अनलाइक ई कॉमर्स, इट इज़ हार्ड टू प्लेस प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम, रिमूव प्रोडक्ट एंड इंसर्ट न्यू प्रोडक्ट्स। बिकॉज मैनुअल होते हैं इसलिए एरियाज भी सेलेक्टिव ही होते हैं। मतलब कि आपके पास एक पर्टिकुलर हाइट और विड्थ का एरिया, प्रॉपर स्क्वायर फिट में ही आपको एक एरिया मिलता है। यस ठीक सर, है, जबकि हम जब वेब की बात करते हैं तो वहां पर एरियाज डिफाइंड नहीं होते हैं, एटलीस्ट स्क्वायर फिट में तो डिफाइंड नहीं ही होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। बट अगर हम इसके डिसएडवांटेज को प्रॉपर वे में चेक करें तो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज रिड्यूस द डेटा एरर। रिड्यूस द डेटा एरर का मतलब है, हम स्लाइड शेयर कर लेते हैं पहले आप लोगों के साथ। सपोज करो कि आपके पास, आप अपने प्रोडक्ट्स को एज अ शॉपकीपर, आप अपने प्रोडक्ट्स को किसी पेपर में या किसी हार्ड कॉपी पे उसके डिटेल को स्टोर कर रहे हो। मतलब कि आप अपने आपके शॉप में क्या क्या है, आपके आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, आप अपने कंटेंट्स को किसी भी हार्ड कॉपी में मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, एज अ रिकॉर्ड। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास एक मिनट, हाँ सपोज करो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जिसका नाम सपोज करो वॉशिंग मशीन। ठीक है, आपके पास टोटल अमाउंट में 10 वॉशिंग मशीन आपके पास है, अवेलेबल है फिलहाल। इसमें से कस्टमर्स ने 3 का ऑर्डर आपको दे दिया है, आई मीन 3 उसने बुक करवा लिया है। ऑब्वियस सी बात है आपके पास कितने बचे? 7। लेकिन चूंकि ये रिकॉर्ड हमें कैसे मेंटेन करना है, मैन्युअली मेंटेन करना है, और मैनुअल होने की वजह से ये भी हो सकता है कि हम इसे अपडेट करना भूल जाए। इन दैट केस हमारे रिकॉर्ड में टोटल नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन्स कितने हैं? 10 है, लेकिन बचे कितने रहे हैं? 7 रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रॉब्लम।
ठीक है, ये क्या है, एक तरह का डेटा एरर है विच इज रिमूव्ड इन द फॉर्मेट ऑफ ई कॉमर्स, बिकॉज जैसे ही तुम 3 प्रोडक्ट वहां से एंट्री करोगे इन योर बिल, जैसे ही आप उसको बिल में एंट्री करोगे, वैसे ही ऑटोमेटिकली तुम्हारा 10 में से डिडक्ट होकर के वो 3 7 हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको मैनुअली जा करके उन डेटा को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स इन कंपेयर ऑफ योर ट्रेडिशनल कॉमर्स सिस्टम। क्लियर है, समझ में आया? ये वापस से रिपीट करूं? हेलो, यस मैम। ओके, द नेक्स्ट एरर विच इज एक्चुअली डिफाइंड एज अ रिड्यूस्ड डेटा एरर ऑल्सो, दैट इज आप कस्टमर की एंट्री को में डुप्लीकेसी नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर ऐसा भी होगा जो पूरे मंथ में आकर के उस शॉपकीपर का पूरा जो भी डिटेल है, जो भी उसका बाइंग एंड सेलिंग जो भी डिटेल्स होते हैं उनको वो कंप्लीट करता होगा। ठीक है, अब अगर आप गलती से भी उस कस्टमर्स की किसी भी परचेज को भूल जाते हो या फिर किसी भी परचेज को 2 टाइम लिख लेते हो, तो इससे लॉयलिटी दोनों तरफ की हार्म होती है, शॉपकीपर की भी और कस्टमर की भी। तो ये भी एक एरर है विच इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाई योर ई कॉमर्स सिस्टम। यहाँ पर हमें इस तरह का कोई फॉर्मेट अप्लाई ही नहीं करना पड़ता है, हम अपने तरीके से हमें कैसे पे करना है हम ये सेलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से अपने इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं। क्लियर है? समझ में आया? यस मैम। When a data error occur in your system, अगर किसी भी फाइल में not in your hard copy, in your soft copy, जैसे कि MS Word, MS Word भी traditional file system की category में आता है, वो कभी भी uniqueness provide नहीं करता है। आप चाहो तो एक नाम को 50 बार ही लिखो, उसको इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो data की duplicacy को find out नहीं करता है। तो MS Word is also a kind of traditional system. ठीक है, बिकॉज ये ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के कॉन्सेप्ट को कॉपी करता है या फिर आप कह सकते हो फॉलो करता है। तो नॉट इन ओनली हार्ड कॉपी, इन योर सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो। ठीक है, जब आप अपने इंफॉर्मेशन को बारी बार बार री इंटर करते हो और वो उस डेटा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो दैट इज द डेटा एरर विच इज ऑल्सो नोन एज डेटा रिड्यूडेंसी। क्या कहा जाता है इसको? डेटा रिड्यूडेंसी। ठीक है, एंड डेटा रिड्यूडेंसी मस्ट बी ओवरकम बाय द न्यू टेक्निक ऑफ योर सिस्टम विच इज नोन एज डेटाबेस। डेटा रिड्यूडेंसी जिस सॉफ्टवेयर की जिस टेक्निक के थ्रू ओवरकम किया गया है वो क्या कहलाता है? आपका डेटाबेस। एंड ई कॉमर्स इज कनेक्टेड विद द डेटाबेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ई कॉमर्स क्या है? आपके डेटाबेस के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट है। और डेटाबेस क्या है? जहां पे आप डेटा रिडंडेंसी को बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल भी वो डेटा की डुप्लीकेसी को फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। समझ में आया? एंड दैट इज द रीजन ई कॉमर्स के अंदर भी डेटा एरर्स अवेलेबल या डेटा एरर्स की चांसेस अवेलेबल नहीं होते हैं या इस तरह की कोई भी एरर्स हमारे हमारे कंटेंट में प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। क्लियर है? रिड्यूस डेटा एरर। ओके, यस मैम। ओके, नेक्स्ट है रिड्यूस कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, रिड्यूस कॉस्ट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी कॉस्ट आपका प्रोडक्ट का होता है उस कॉस्ट को बेसिकली, अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करो तो ट्रेडिशनल सिस्टम में आपका कंपनी एंड कस्टमर के बीच में हमेशा शॉपकीपर, रिटेलर्स, ये सब भी आते हैं, है ना, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, जबकि अगर आप ई कॉमर्स की बात करो, कंपनी क्या करती है, सॉरी कंपनी नहीं, वेबसाइट्स क्या करते हैं, वेबसाइट के ओनर क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं जहां से उन्हें प्रोडक्ट लेना है उस जगह को। ठीक है, और उस इंटरमीडियरीज को हमारे बीच में से वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, which is quite easy for us, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को easily ढूंढ सके।
That's why it also follow the concept of reduce cost. Reduce पेपर वर्क. ऑब्वियसली बात है, सारे काम कैसे होते हैं, सॉफ्ट कॉपी पे होते हैं. द कंटेंट विच एक्चुअली रिटेन वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. जब हम किसी कंटेंट को रीड करते हैं या राइट करते हैं, किसके थ्रू? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू. ठीक है, तो दे आर डिफाइंड एज अ सॉफ्ट कॉपी. ठीक है, लेकिन अगर हम उसी काम को किसी पेपर पे करते हैं या किसी ऐसे कंटेंट पे करते हैं विच इज फिजिकली अवेलेबल टू अस, जो हमारे लिए फिजिकली अवेलेबल है, तो उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी. ठीक है, ई कॉमर्स हमारे पेपर वर्क को रिड्यूस करता है इन कंपेयर ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम, क्योंकि हम सभी जानते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम में बिल रिसिप्ट हो, डेटा एंट्री हो, चाहे वो कस्टमर की तरफ से हो, चाहे वो शॉपकीपर की तरफ से हो, ठीक है, रिटेलर्स की तरफ से हो, वो सारे एंट्रीज हमेशा हार्ड कॉपी पे ही अवेलेबल होते थे. रिड्यूस द प्रोसेसिंग साइकिल टाइम. प्रोसेसिंग साइकिल टाइम का यहाँ पे क्या मतलब है? बता सकते हो? एनीवन? हेलो. मैम कम समय लगना मैम किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज का हाँ, स्टेप कम हो जाना मैम। उसके स्टेप्स कम हो जाते हैं. मतलब कि आप मार्केट जाते हो, विजिट करते हो, एक एक प्रोडक्ट को चेक करते हो, ठीक है, फिर बिलिंग करवाते हो, एंड देन उस बिलिंग के बाद आप पे करते हो, और तब जाकर के वो सामान आप लेकर के आते हो. पर ये सारा काम में सबसे ज्यादा टाइम हमें कब लगता है? उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने में और वहां जाने में. ठीक है, ये प्रोसेसिंग साइकिल आपका रिड्यूस होता है इन ई कॉमर्स, बिकॉज अगर आप किसी एक वैरायटी को ले, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को सेलेक्ट करते हो फ्रॉम योर प्रोडक्ट, तो एक साइमल्टेनियस प्रोसेस फॉलो होता है. सपोज करो आप एक सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट ले रहे हो या 10 प्रोडक्ट ले रहे हो, एक साइमल्टेनियस प्रोसेस फॉलो होता है. ठीक है, मतलब उस दसों प्रोडक्ट के लिए आपको एक ही साथ वो प्रोसेस फॉलो करता है. आपको एक एक करके उस दसों प्रोडक्ट को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि मैनुअली अगर हम करते हैं तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली कुछ भी नहीं होता. हमें मैनुअली एक एक प्रोडक्ट को वेरीफाई करना पड़ता है, जो भी हम बाई कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ योर ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल सिस्टम. लेबर कॉस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता आप नहीं कह सकते हो, बट इन कंपेयर ऑफ योर ट्रेडिशनल सिस्टम इसके लेबर कॉस्ट काफी कम होते हैं. जो भी काम होता है वो एक्चुअली इंडिविजुअल होता है, बिकॉज प्रोडक्ट कंपनी तक पहुंचाना किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हम तक पहुंचाना किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, दैट्स वाई इट ऑल्सो रिड्यूस द लेबर. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंसेज ऑफ योर ट्रेडिशनल सिस्टम एंड ई कॉमर्स. वेयर ट्रेडिशनल सिस्टम इज अ कॉन्सेप्ट वेयर यूजर कैन बाई द प्रोडक्ट, बाई एंड सेल द प्रोडक्ट मैनुअली विदाउट यूजिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहां पर यूजर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदता या बेचता है बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के. समझ में आ गया? यस मैम नाउ कल हम लोग ई बिजनेस पढ़े थे, विच इज अ सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स. ठीक है, ई कॉमर्स इज नथिंग बट यू कैन से इट्स अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर ई बिजनेस. ठीक है, ई बिजनेस है इसलिए ई कॉमर्स है. तो ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ ओपन सिस्टम, वेयर एज ई बिजनेस इज अ क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, आपको पता है कि आपको वो काम का एग्जैक्टली लिमिट क्या होना चाहिए उस काम के लिए, है ना? मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए बिजनेस स्टार्ट किए हो, तो उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ आप ग्रोसरीज ऐड करोगे. नहीं, वो दोनों की कैटेगरी बिल्कुल ही अलग होती है.
ठीक है, तो ई बिजनेस जहां पर आप एग्जैक्टली सेलेक्ट करते हो कि किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स कैसे यूज हो रहे हैं या फिर कैसे हमें उसे यूज करना है, अप्लाई करवाना है विथ आर कस्टमर। ई कॉमर्स बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स डेली विजिट करते हैं, डेली उस साइट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता हो, और उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें सिस्टम के आईपी एड्रेस को भी फाइंड आउट करना आता हो। ठीक है, तो उसकी वजह से अगर हम कहीं पे विजिट कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट विजिटर कितना नॉलेजेबल है इस एरिया में, ये उसकी सिक्योरिटी को सेट करता है या अनसेट करता है। ठीक है, इस वजह से ई कॉमर्स को कभी भी सिक्योर नहीं बोला जाता है। जबकि ई बिजनेस, जहां पे आप, अगर आप ई बिजनेस में हो तो ऑब्वियस ही बात है आप उन्हीं लोगों को अलाउ करोगे अपने साइट को विजिट करने का जो आपकी ई बिजनेस के मेंबर हैं, आपके पार्टनर हैं या आपके साथ काम कर रहे हैं। आप हर किसी तीसरे पर्सन को अपने साइट को विजिट करने का या अपने कंटेंट को अपडेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करोगे। द नेक्स्ट वन इज डील विथ मोर टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्राइटेरिया इसका काफी बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे कैटेगरीज ओपन होते हैं, इसलिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी होते हैं जबकि ई बिजनेस सेलेक्टिव होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। इसमें अगर कुछ ऐसा लग रहा है जो नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है मैम, आगे अमेजन ओके फाइन, अब एक एग्जांपल बताना। अमेज़न का नाम सुने हो, सुने ही होगे, फ्लिपकार्ट भी सुने हो, बिग बास्केट भी सुने हो। मैम। ओके, बिग बास्केट, अगर हम बिग बास्केट का एग्जांपल लें तो बिग बास्केट ई कॉमर्स में आएगा या ई बिजनेस में आएगा? ई कॉमर्स में आएगा मैम। एग्जैक्टली, ई कॉमर्स में आएगा। और ई कॉमर्स में उसे ई कॉमर्स की कैटेगरी में उसे सेलेक्ट करने के लिए उसके साथ कितने तरह के कंटेंट्स ऐड हुए, ये कैसे पता चलेगा? मतलब कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको ये पता है कि जब हम ई मैम, कॉमर्स पे, प्रोडक्ट हाँ प्रोडक्ट हेलो, सेलिंग परचेजिंग ये सब प्रोडक्ट कंटेंट मैम ई सेलिंग कॉमर्स में आते परचेजिंग हैं। सप्लाई, वो भी तो है, ये सब यस लॉजिस्टिक मैम, जिसको हम लोग कहते हैं। यस मैम। एग्जैक्टली, हाँ। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन, ई कॉमर्स किसके लिए सिक्योर नहीं होता है? सिर्फ कस्टमर के लिए भी या रिटेलर, मतलब जो ओनर है उनके लिए भी ये इनसिक्योर हो सकता है? आई रिपीट माई क्वेश्चन, ई कॉमर्स की सिक्योरिटी किसे सबसे ज्यादा हार्म करती है? कस्टमर्स के लिए कस्टमर्स को। ओके, पर क्या आपको पता है कि कभी कभी ये ओनर को भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम में डालती है, मतलब उन्हें भी प्रॉब्लम फेस करना हाँ मैम, पड़ता है? फॉर इट्स इन रेयर एग्जाम्पल, केस। हाँ रेयर केस, एग्जैक्टली, पर ये होता है बिकॉज ऑफ द कोडिंग और द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम वो डेवलप करते हैं टू डिजाइन दीज काइंड ऑफ मॉडल, मतलब जैसे कि अमेज़न मॉडल है, ठीक है, फ्लिपकार्ट, इस तरह के मॉडल को डिजाइन करने के लिए जो प्रोग्राम और जो कोड वो जनरेट करते हैं, अगर उसमें कोई एरर होता है तो वो प्रॉब्लम हमसे ज्यादा उन्हें फेस करना पड़ता है। हमें तो थोड़े बहुत का नुकसान होता है, ठीक है, वो भी तब जब हम अपने सिक्योरिटी को अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। मतलब कि अगर हम सही तरीके से हर चीज को ट्रीट करें, हमेशा ये बोला जाता है कि आप अपने कार्ड को कभी भी अपने किसी भी ई कॉमर्स पे सेव नहीं करना चाहिए, किसी भी अदर एप्लीकेशन के साथ किसी भी एक्स्ट्रा खास करके ट्रांजेक्शन डिटेल को शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इन सब चीजों को ध्यान में रखें या फिर अगर हम कहीं मान लो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते भी हैं तो उसके डिटेल को इमिडिएटली वहां से डिलीट कर दें तो शायद हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है, हर कुकीज को एक्सेप्ट करना. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब कोई पेज ओपन करते हो इन योर नेट, और उस समय बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि कुकीज आते रहते हैं जो आपको एक्सेप्ट और डिक्लाइन का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं. और हम करते क्या है, बिना पढ़े उसको एक्सेप्ट करते चले जाते हैं. हम जितना ज्यादा उसे एक्सेप्ट करते हैं हमारे लिए वो उतना ही प्रॉब्लमेटिक होता है. ठीक है, इसलिए अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो शायद हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. जब हम ध्यान नहीं देते हैं और अपने डेटा को शेयर करते जाते हैं तब एग्जैक्टली हमारे लिए ई कॉमर्स बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता है. पर ये तो हमारी बात हो गई. अगर हम कंपनी की बात करें, शॉपकीपर्स की बात करें या वेबसाइट की बात करें, तो उनके लिए कैसे ये हार्मफुल है? कोई आइडिया, कोई कोई एग्जांपल या कुछ भी जो आपको पता हो या आपको लगता है कि वो होना चाहिए? एनीवन? ओनर की कनेक्टिविटी से इसका क्या मतलब हुआ? मतलब लाइक हाँ, ओनर की कनेक्टिविटी तो उस साइट के साथ रहेगी ना, क्योंकि उस पता कैसे चलेगा कि मैम ओनर, मैम जैसे कि ओनर भी मैम कहीं से, मतलब जो अपना साइट परचेज किया है तो वो कहीं ना कहीं से जो डाटा लिंक किया था अपना, तो अगर मान लो वो सर्वर क्रैश कर गया, कस्टमर उसके कंपनी से डाटा लिंक किया, तो वो डाटा वो अलग दूसरा वो जिसे परचेज किया था उसके पास तक भी पहुंच सकता है. हाँ, वहां तक पहुंच भी जा सकता है. अगर सर्वर क्रैश हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न का साइट है, उसमें उसके सारे डिटेल्स हैं, नॉट द डिटेल्स ऑफ कस्टमर ओनली, प्रोडक्ट के भी डिटेल्स हैं. अगर गलती से भी अमेज़न का सर्वर क्रैश करता है वो इमीडिएटली बैंकरप्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. दूसरा, अभी आप लोग को पता है या नहीं पता है, आई डोंट नो, ये पटना की ही बात है. 2019 जैन के लगभग में बिग बास्केट ने एक ऑफर निकाला था. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसे 999, ठीक है, का सामान परचेज करते हो, अगर आप प्रोडक्ट लेते हो 999 का, तो वो 250 आपको फ्री में देता था. ये बेसिकली हर साइट करते हैं जहां तक आप लोग को भी पता होगा. अगर आप लोगों ने, और आप लोगों ने तो बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब आप लोगों से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग को ही हमेशा यूज करते हो. तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम 909 के प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ठीक है, तो 250 का वो जो कूपन था वो ऑटोमेटिकली हमारे बिल के साथ ऐड हो जाता था. मतलब कि उस 999 में से वो 250 ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता था. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उसने हमें प्रोवाइड, उसने प्रोवाइड किया था टू फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ द कस्टमर्स, ताकि कस्टमर्स बिग बास्केट को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट वो बाई कर सके. ठीक है, ताकि उनकी पॉपुलरिटी बढ़े. पर अगर आप प्रोडक्ट डिडक्ट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपने ए बी सी और डी नाम के चार प्रोडक्ट खरीदे. ठीक है, ये टोटल प्रोडक्ट का कॉस्ट आपका आ रहा है कितना, 999, जिसमें से ऑटोमेटिकली 250 क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है जैसे ही वो 999 हुआ. अब सपोज करिए इसमें से एक प्रोडक्ट आपका कितने का है, 399 का है, सपोज करो. अब आपने क्या किया, और एक प्रोडक्ट कितने का है, 250 का है. ठीक है, आपने क्या किया, 250 वाला प्रोडक्ट छोड़ करके बाकी सारे प्रोडक्ट को इसमें से डिलीट कर दिया. ठीक है, तो ये जो 999 वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें से 250 ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाना चाहिए, और यहाँ पर आपका पेड प्राइस क्या दिखाना चाहिए, जो आपको पे करना है, दैट इज 250. लेकिन वो क्या शो करता था, जीरो, क्योंकि वो जो 250 ऐड करता था उस 250 को वो डिडक्ट नहीं कर पाता था, उसकी कोडिंग में कोई प्रॉब्लम थी.
मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, नहीं मैम, फिर से एक और बार मैम। हाँ चलो ठीक है। सपोज करो तुमने चार प्रोडक्ट सेलेक्ट किया फ्रॉम योर बिग बास्केट, ठीक है। तुम्हारे प्रोडक्ट का नाम है ए, बी, सी और डी। इन चारों प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपका टोटल अमाउंट कितना हो रहा है? 999। इतना समझ में आया? यस मैम। अब बिग बास्केट ने आपको एक ऑफर दिया कि अगर आप 999 का प्रोडक्ट खरीदते हो तो ये 250 उसमें से ऑटोमेटिकली क्या करेगा, माइनस कर देगा, ठीक है। इतना क्लियर है? तो 999 में से अगर आपका 250 माइनस हुआ तो आपके पास कितना का अमाउंट बचा? 749। मतलब कि आपको टोटल जो पे करना है उसको वो कितना पे करना है? इतना। एग्जैक्टली। अब सपोज करो इसमें से एक प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट जो आपने सेलेक्ट किया है वो 250 का है, ठीक है, या फिर 251 का है मान लो, और आपने क्या किया, बाकी के तीन प्रोडक्ट जो इस 999 की वजह से, ये हमेशा याद रखना, उसका जो ऑफर था उसमें था कि जब आप 999 का प्रोडक्ट खरीदोगे तब वो 250 माइनस करेगा। ऐसा नहीं कि आप 250 का प्रोडक्ट खरीदोगे तो 250 माइनस करेगा, ऐसा तो कोई नहीं करता है ना। तो यहाँ पर वो क्या हम लोगों ने, मतलब कस्टमर ने क्या किया, बाकी के तीन प्रोडक्ट डिलीट कर दिए। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट क्या शो करना चाहिए जो हमें पे करना है? 251 शो करना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। लेकिन बिग बास्केट के कोडिंग की वजह से जो हमें पे करने वाला टोटल अमाउंट था वो कितना था? 1 रुपया। मतलब वो जो 250 डिडक्ट करता था 999 में से, उसे वापस से वो ऐड ही नहीं कर पाता था अपने कोडिंग के डिमेरिट की वजह से। तो यहां पर जो प्रोडक्ट 250 का 51 का है उसके लिए आपको सिर्फ 1 रुपया पे करना पड़ा, जबकि आपने उसे पहले कुछ भी नहीं बाई किया है, ठीक है। ये चीजें कंटिन्यू होती थी इसके साथ, मतलब कि जैन के वक्त 2019 जनवरी में ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली होता था। इवन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्रोडक्ट ऐड किया, ठीक है, अलग अलग नंबर से अपने आप को रजिस्टर करके प्रोडक्ट ऐड किया, ठीक है, 999 के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करवाया और फिर 250 के अकॉर्डिंग, मतलब 250 छोड़ करके बाकी प्रोडक्ट को डिलीट कर दिया और उसका वो प्रोडक्ट क्या हो गया, फ्री हो गया। ऐसे करने की वजह से बिग बास्केट को काफी नुकसान भी हुआ था, और ये नुकसान, मतलब ये जो प्रॉब्लम है, ये कहीं भी कोई भी कस्टमर इसका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, जबकि सारा प्रोडक्ट गया कहाँ, कस्टमर्स के पास गया, ठीक है, इन अ जीरो प्राइस, बिना किसी प्राइस का। समझ में आ रहा है मेरी बात? हेलो, यस मैम। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपके सर्वर में या अगर आपके कोडिंग में प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर से कहीं ज्यादा आपके कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स के ओनर या फिर ई कॉमर्स जो कंपनी है उसको इसका भुगतान करना पड़ता है, मतलब कि उन्हें हमेशा इसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज, इट्स नॉट ओनली इनसिक्योर फॉर अस, ठीक है, वो उनके लिए भी उतना ही कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है जो उनके लिए हार्मफुल हो। मेरी बात क्लियर है? यस मैम। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ योर ट्रेडिशनल सिस्टम एंड ई बिजनेस। नाउ वैल्यू चेन। वैल्यू चेन का मतलब क्या है, बता सकते हो कुछ भी? जब आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को अ सीरीज ऑफ कनेक्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, मतलब कि लाइक ई कॉमर्स के कनेक्टिंग एक्टिविटीज क्या होंगे, प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करना, ठीक है, उसके लुक को डिजाइन करना, लुक को डिजाइन करना मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे आप उसको लेके जा रहे हो उस प्लेटफॉर्म को इंटरेक्टिव बनाना ताकि कस्टमर्स
इजिली अट्रैक्ट हो सके, ठीक है, उसको सही तरीके से बाई सॉरी उसको सही तरीके से सेल करना, सही तरीके से सही जगह पर डिलीवर करना फ्रॉम द ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये एक चेन में फॉलो होता है, ठीक है, मतलब दीज ऑल कंटेंट्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, एक के बिना दूसरा नहीं है, एंड दीज ऑल कंटेंट्स आर ऑब्वियसली कनेक्टेड विद द कस्टमर ऑल्सो। ई कॉमर्स में जितना इम्पोर्टेंट कस्टमर के वैल्यूज को यूज करना है या कस्टमर्स के वैल्यूज को फॉलो करना होता है, उतना ही यूजफुल और उतना ही इम्पोर्टेंट कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके उसके प्रोडक्ट का डिजाइन, साइट का इंट्रैक्टिवनेस, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंपनीज ऐसे भी हैं, मतलब बहुत सारे साइट, ई कॉमर्स साइट ऐसे भी हैं जो हमारे लिए अलग अलग तरह के स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि विल स्पिन, ठीक है, अगर आप विल स्पिन में कोई प्राइज जीतते हो, अगर आप किसी भी कहीं पर भी कोई हेलो अगर आपको कोई प्राइज मिलता है तो आपको उस प्लेटफॉर्म के लिए जरूरत से ज्यादा इंट्रैक्शन आता है, मतलब कि आप कंटिन्यूअसली उस प्लेटफॉर्म को विजिट करते हो, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ कस्टमर विद द रिलेटेड साइट और द रिलेटेड ई कॉमर्स, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज प्रोवाइड करना, एक्टिविटीज पजल्स में भी हो सकते हैं, एक्टिविटीज क्विज में भी हो सकते हैं, ठीक है, तो बेसिकली जब ये सारे एक्टिविटीज एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं फॉर द इंट्रैक्शन ऑफ कस्टमर, ताकि वो कस्टमर को इंट्रैक्ट कर सके, तो दैट इज नोन एज ई कॉमर्स वैल्यू चेन। ये सारे क्या कहलाते हैं आपके, ई कॉमर्स वैल्यू चेन। क्लियर है? यस मैम। कोई क्वेश्चन इसमें? Anyone? Hello? No, ma'am. Okay. So basically, we can say the particular activities related with each other to find the interaction of customer, ठीक है, eventually is known as e-commerce value chain, ठीक है, e-commerce value chain is not only define the activities, it also define the interaction of your customer, ये सिर्फ आपके activities को ही नहीं बल्कि उस activities से interact with number of customers के भी record को display करता है। अब suppose करो आप कोई activity, अगर आपका product का design, अगर आपके साइट का इंट्रैक्शन, ठीक है, या फिर आपका कंटेंट अगर कस्टमर को इंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी हमेशा इस कोशिश में होती है कि उस चीजों को चेंज किया जाए जिसकी वजह से कस्टमर्स इंट्रैक्ट नहीं हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ बेसिक थिंग इन योर ई कॉमर्स। नाउ वी आर इन ई कॉमर्स कैटेगरी। ये जो हम कंटेंट अभी आप लोग से डिस्कस कर रहे हैं, We are in 12 स्लाइड, ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये 12 स्लाइड हम आप लोगों के क्लासरूम में, आई होप आप लोगों ने क्लास कोड के थ्रू क्लासरूम ज्वाइन कर लिया होगा। यस मैम। ओके, उस पर शेयर कर दूंगी, इसके साथ ही आप लोग एक बारी इसको अच्छे से रीड कर लेना, इवन एक बार पढ़ भी लोगे तो कोई वो नहीं है, बहुत ही हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है इसके साथ, ठीक है, तो आप इसका एक कल हम एक छोटा सा क्विज रखेंगे इससे रिलेटेड। ओके, नाउ वी आर इन ई कॉमर्स कैटेगरी। जब ई कॉमर्स कैटेगरी, एक्चुअली तो ई कॉमर्स कैटेगरी बेसिकली डिपेंड करता है कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे एंड द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट पे। हमेशा याद रखना, कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन थ्री डिफरेंट थिंग्स। Customer's point of view, ठीक है, which is known as the category of e-commerce based on customer. Business point of view,
based on category of e-commerce, based on business, and government rules and regulation of your government. ठीक है, किस हर कंट्री का अपना अपना एक पर्टिकुलर रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग विच इज डिफाइंड एज द बेस्ड ऑन गवर्नमेंट. ठीक है, पर अगर आप कैटेगरी की बात यहां पर करो तो यहां पर आपका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कैटेगरी ऑलवेज डिफाइन द अवेलेबल मार्केट. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द अवेलेबल मार्केट और द करेंट मार्केट विद द फ्यूचर परस्पेक्टिव्स. अभी आपके पास क्या है और आप उसको कैसे बना सकते हो और भी अच्छा और भी वैल्यूएबल. ठीक है, तो ये दोनों चीजों का जब आप कंपेयर करते हो, इट डिफाइंड एज द ई कॉमर्स कैटेगरी. जैसे कि अगर आप किसी स्टोर में जाते हो, यू जस्ट यूज द स्कैंड कोड, मतलब कि आप हमेशा BCR यूज करते हो, मतलब कि बार कोड रीडर, मतलब जो बिलिंग करता है आपका वो हमेशा स्कैनर यूज करता है. ठीक है, आपके बिल को कैलकुलेट करने के लिए या आपके बिल की एंट्री करने के लिए. जब आप ई कॉमर्स की बात करते हो तो यहां पर आपका इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप प्रोडक्ट को ऐड करते जाते हो, वो प्रोडक्ट एक स्टैटिक व्यू में ऐड होते चला जाता है. लेकिन आप ये चेक करते हो जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट ऐड होता है, आपका प्राइस कॉस्ट चेंज होते चला जाता है ना, जो प्राइस आपको पे करना है. इट इज डिफाइंड एज अ ई कॉमर्स कैटेगरी. देखो सिंपल सी बात है, जब आप किसी व्यू की बात करते हो, मतलब जब आप किसी भी साइट को ओपन करते हो, ठीक है, तो चलो एक साइट ही ओपन करके चेक कर लिया जाए. ये जो व्यू दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, बेसिकली ये तब चेंज होता है जब आपका अमेज़न इस व्यू को चेंज करेगा. ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो, सपोज करो कि आप कार्ट में कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कार्ट में किसी प्रोडक्ट को ऐड करते हो तो आप देखोगे यहां पर जो आपका प्राइस टैग होता है ये ऑटोमेटिकली इसमें चेंज होते चला जाता है. ऐसा होता है ना? हेलो. Yes, ma'am. Exactly. तो होता है exactly क्या है, ये जो व्यू है, मतलब जो स्क्रीन पे आपका शो हो रहा है, ये व्यू हमेशा स्टैटिक होते हैं. ठीक है, पर इस कार्ट के अंदर का जो व्यू होता है ये हमेशा क्या होता है, डायनामिक होता है. I repeat, जो व्यू आपके लिए विजिबल होते हैं, जहां पर कोई भी डेटा आप क्लिक करते हो और वो कार्ट में चला जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्टैटिक होता है. मतलब ना उसके कलर में चेंज होगा, ना उसके लुक में चेंज होगा, ना ही उसके हाइट और विड्थ में कोई चेंजेस होंगे. मेरी बात समझ में आ रही है? इस वजह से उसे क्या बोला जाता है, स्टैटिक बोला जाता है. ठीक है, क्योंकि उसके व्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं तब तक जब तक कि साइट अपने आप को अपडेट नहीं करता. अपडेट करने का मतलब है कि उसने कुछ चेंजेस किए हैं. ठीक है, लेकिन यहां पर जो जैसे जैसे हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, यहां पर वो कार्ट क्या होता है, ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट के प्राइस को ऐड करता चला जाता है. होता है ना ऐसा? हेलो. यस मैम. एग्जैक्टली. होता है. तो वो जो कार्ट के अंदर का जो कंटेंट होता है, दैट इज योर डायनामिक. वो क्या होता है, डायनामिक इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. ठीक है, जैसे जैसे आप ऐड या रिमूव करते हो, वैसे वैसे उस डेटा का जो इंटरफेस होता है वो चेंज होते चला जाता है, या तो ऐड होते चला जाता है या तो रिमूव होते चला जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज डायनामिक. So, the behavior of your content as per the requirement of user, ठीक है, the behavior of your content as per the requirement of user is known as e-commerce category, which is EDI, electronic data interchange. Clear है? Yes, ma'am. Okay. Provides a standardized system. ये कैसे होता है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, मतलब कि डायनेमिक कैसे चेंज होता है और स्टैटिक क्यों नहीं चेंज होता है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे. ठीक है,
स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम का मतलब है हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको वो अपडेट करता है, ठीक है। सो बेसिकली चाहे आप ई कॉमर्स की बात कर लो, चाहे आप रेलवे रिजर्वेशन की बात कर लो, एयरलाइन बुकिंग की बात कर लो, ये दोनों ई कॉमर्स, ये सारे कंटेंट ईडीआई के अंदर आते हैं, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिफाइन द बिहेवियर ऑफ योर वेबसाइट एंड एज वेल एज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर यूजर बोथ। तुम्हारे साइट का बिहेवियर और तुम्हारे यूजर का रिक्वायरमेंट, ये दोनों चीजों को मेंटेन करता है ये, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप कोई कंटेंट ऐड कर रहे हो और उसका प्राइस काउंट ही नहीं कर रहा है, तो उसे ऐड आप कभी भी ऐसे साइट को विजिट नहीं करोगे जहां पे आपके बार बार ऐड करने के बाद भी वो स्टैटिक मोड पे काम करे, और ना ही आप किसी ऐसे साइट को विजिट करोगे कि तुम्हारे विजिट करने के साथ ही वो क्या करे, उस डेटा को चेंज कर दे, है ना। तो बेसिकली द मेन अकॉर्डिंग टू द वर्क, और यू कैन से अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर, नॉट इन बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट और द रिस्पॉन्सेज, ठीक है। जो मेन कैटेगरी होता है आपके ई कॉमर्स का, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई। और ईडीआई क्या होता है, जहां पे हम हमारे डेटा को एज पर द रिक्वायरमेंट वो अपडेट करता है इन अ फॉर्म ऑफ प्राइस, ठीक है, क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ओके फाइन, अब तुम लोग अपना अपना अटेंडेंस मार्क कर लो चैट बॉक्स में। रिमेंबर नेम, सेक्शन and registration number, name, section and registration number. Excuse me ma'am. Yes. ma'am, आपके क्लास का लिंक आएगा डेली या फिर वही एक ही लिंक से डेली ज्वाइन करना है? नहीं, ये इसी एक, ये जो एक लिंक है ना, ये तुम्हारे 3 days के अकॉर्डिंगली पूरे सितंबर के लिए जनरेट किया गया है, और जब टाइम चेंज नहीं हो रहा है ना, इसलिए, ठीक है। और जो 12:50 क्लास है, आई गेस 12:50 नहीं, 12 बजे से जो क्लास है, उसके लिए एक नया लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, और पूरा सितंबर वही लिंक चलेगा, ठीक है। वो हम शेयर कर लेंगे आप लोगों के साथ मंडे के पहले। ओके, तो आपका एक ही लिंक रहेगा मैम पूरे मंथ के लिए? हाँ, पूरे सितंबर के लिए, उसके बाद देखा जाएगा। और अगर रिमाइंडर चाहिए तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज इनविटेशन चला जाएगा, पर उसे एक्चुअली मेल ही फिल ज्यादा भरता है, इसलिए वो चीज मैंने अवॉइड की थी। मैम व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएगा तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो शेयर कर लेंगे ग्रुप में भी डाल दीजिएगा मैम, ठीक है। हाँ ठीक है, उसी में फिर शेयर कर लिया करूंगी। कोई क्वेश्चन भी है तुम लोगों का? मैम जो आज स्लाइड आप पढ़ाई है वो क्लासरूम में शेयर कर दीजिएगा ना? हाँ आज हम कर देंगे। आप लोग अगर कर सकते हो तो इतना करना, बिग बास्केट का जो स्टोरी मैंने बताया अभी, उसको न्यूज में फाइंड आउट करने की कोशिश करना, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, वो तो इजी आप लोग को मिल जाएगा, टाइम भी, टाइम तो नहीं पर डेट, ईयर और मंथ ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट वॉज इन जनवरी 2019, आई गेस 9th Jan के बाद की बात है। ठीक है, ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम, ईडीआई, इस सबसे कोई क्वेश्चन है तुम लोगों का?
ना, पढ़ेंगे तभी ना, फिर देखते हैं। ओके अतुल, क्योंकि इसके बाद मतलब आफ्टर 1 वीक एक केस स्टडी भी ई कॉमर्स का शेयर करने वाले हैं हम, तो आप लोग को उसके हिसाब से, बिकॉज देखो ई कॉमर्स के लिए आपको बुक से ज्यादा, जितना ज्यादा न्यूज पढ़ोगे, जितना ज्यादा अपडेटेड कंटेंट पढ़ोगे, उतना ही आपको वो समझ में आएगा। बुक से ज्यादा अच्छा होगा कि अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये पढ़ो, ठीक है? बिकॉज अभी अभी बहुत सारे कंटेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारी चीजें अपडेट हो रही हैं, तो वो जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा ई कॉमर्स का काम समझ में आएगा। क्लियर है? जाओ मैम। हेलो, यस मैम। यस मैम। अच्छा आप शो हो रहा है 69 और चैट में 71 कैसे चला गया है? दो तीन बार नाउ यू ऑल कैन लेफ्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम।